नमस्कार मित्रों, राम राम सा खम्मा गणी। स्वागत है आप सभी का लहर क्लासेस पर। संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। तो साथियों, आज की क्लास में जो भी भाई बहन जुड़ चुके हैं उन सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। साथियों, हम राजस्थान बीएसटीसी के मॉडल पेपर को हल कर रहे थे। साथियों, उसी कड़ी में हमने 8 मॉडल पेपर हल कर लिए। आज साथियों अपना 9वां मॉडल पेपर होने जा रहा है। तो साथियों, मॉडल पेपर शुरू करने से पहले सभी मित्रों से निवेदन रहेगा, क्लास को एक बार शेयर कर दे, और जिसने भी क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देंगे। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर। साथियों, रीजनिंग से पहला प्रश्न आपके सामने है। दी गई अंक श्रृंखला में कौन सा अंक लुप्त है या कौन सा पद लुप्त है? साथियों बताना है, दी गई अंक श्रृंखला में कौन सा अंक लुप्त है या कौन सा पद लुप्त है? साथियों, यहाँ पर कौन सी अंक संख्या है जो यहाँ पर लुप्त है, या अगला पद कौन सा होगा? 4, 12, 36 और 108। साथियों, अगला पद कौन सा होगा? 144, 216, 304 या फिर 326? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना आपको। तो साथियों, आपको यहाँ पर ट्रिक अपनानी है। पहले साथियों, दूसरे पद में से पहले पद को घटाओ। साथियों, 12 में से 4 घटाएंगे, कितने आ रहे हैं? 8 आ रहे हैं, ठीक है। साथियों, अब घटाएंगे साथियों 36 में से 12 घटेंगे, साथियों कितने आएंगे? 24 आएंगे, ठीक है। अब साथियों घटाना है 108 में से 36, कितने में से? 108 में से 36 घटेंगे। साथियों, अगर बहुत बड़ी संख्या है जिसका आपस में कोई मेल नहीं बन रहा है, तो साथियों अब अपने दूसरी ट्रिक अपनाएंगे। तो साथियों अपने दूसरी ट्रिक अपनाएंगे, दूसरी ट्रिक कौन सी साथियों? भाग वाली, मतलब कि 12 में 4 का भाग देना है, कितनी बार जाएगा? 3 बार। अब साथियों, 12 का भाग 36 में देना है, कितनी बार जाता है साथियों? 12 + 36। अब साथियों, 36 का भाग 108 में देना है, जाता है या नहीं जाता है? इसकी ट्राई करने के लिए साथियों, आपको 36 का पार्ट नहीं आता, 36 को 3 से गुणा कर लो। 3 आ रहा है साथियों, 3 से गुणा कर लो, तो 6 + 3 = 18, 8 + 1 और 3 + 3 = 9 + 10, मतलब 108 आ रहा है। मतलब साथियों, 36 का भाग 108 में कितनी बार जा रहा है? 3 बार। अर्थात साथियों, दूसरा पद पहले पद के 3 गुणा है। किस प्रकार साथियों? मतलब कि साथियों, 12 है जो 4 का 3 गुणा है, कितना है साथियों? 12 4 का 3 गुणा है, और 36 12 का 3 गुणा है, 108 भी 36 का 3 गुणा है। मतलब कि साथियों, 3 का गुणा होकर के आगे संख्या आ रही है। तो साथियों, आगे 108 के साथ 3 का गुणा करने पर कौन सी संख्या हमें प्राप्त होगी? तो साथियों, 108 गुणा 3 करना है अपने को, 8 + 3 = 24 = 4 = 2, और साथियों 3 × 0 = 0 जाएगा, हासिल 2 के 2 बन जाएगा, 3 × 1 = 3, 324। साथियों, आंसर डी ऑप्शन सबने राइट हो जाएगा। कौन सा? डी ऑप्शन से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की, आज की क्विज के दूसरे प्रश्न की ओर। साथियों साथियों, दूसरा प्रश्न है, किसी एक संकेत में FISS को EHRG लिखा जाता है। साथियों, FISS को EHRG लिखा जाता है, उसी संकेत में साथियों जंगल को कैसा लिखा जाएगा? जल्दी से बताना साथियों, FISS को EHRG लिखा जाता है, जंगल को कैसे लिखा जाएगा? ABCD में से आपको आंसर बताना जल्दी से साथियों। तो साथियों, ऐसे प्रश्न सॉल्व करने के लिए पहले आपको जो दो शब्द दिए, इन दोनों में आपस में संबंध देखना। तो साथियों, F और E में कोई संबंध है? बिल्कुल है। F से पहले साथियों क्या आता है? E आता है, मतलब कि एक कम हुआ, ठीक है। अब साथियों, I और H में कोई संबंध है? बिल्कुल साथियों, I से पहले क्या आता है? H आता है, मतलब कि इसमें भी एक कम हुआ। अब साथियों आया S से पहले साथियों क्या आता है? R आता है, तो मतलब कि इसमें भी एक कम हो रहा है। अब साथियों आया H से साथियों G में जाने पर एक कम हुआ, मतलब कि साथियों सभी में एक एक घटा करके यहाँ पर अगला वर्ड दिया है। तो साथियों, इसी प्रकार जंगल में से अपने को एक एक घटा रहा अगला पद ज्ञात करना। तो साथियों, J में से एक घटाने पर क्या प्राप्त होता है साथियों? I प्राप्त होता है, ठीक है। J में से एक घटाएंगे साथियों, आई प्राप्त होगा, मतलब कि अपना बी ऑप्शन तो यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। अब अगला देना साथियों, यू से पहले साथियों, यू में से एक पद पहले आना है, तो एक पद यू में से पहले आएंगे साथियों, कौन सा आ जाएगा अपना? टी आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा साथियों? टी। तो मतलब कि साथियों अपना सी भी नहीं है और बी भी नहीं है, तो पीछे साथियों 2 बसे। अब साथियों, एन से पहले क्या आता है साथियों? एम आता है, तो साथियों एन से पहले एम किसमें? इसमें एम नहीं है, तो साथियों अपना डी ऑप्शन कौन सा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। साथियों अपने पर डी ऑप्शन राइट है। अब बढ़ते साथियों अगले प्रश्न की ओर, आज की क्विज का तीसरा प्रश्न। साथियों दिया है समूह में अन्य से अलग विकल्प बताइए। साथियों, जो समूह में 4 संख्याएं दी है, इनमें साथियों अलग विकल्प बताना आपको। समूह में 4 संख्याएं दी है साथियों, से इनमें से अलग संख्या कौन सी है? पहली साथियों 4321, दूसरी है 7693, तीसरी है 4232 और चौथी है 5698। तो साथियों इनमें से अलग कौन सी है, भिन्न कौन सी है? बेमेल को आपको छांटना साथियों जल्दी से।
अलग साथियों संख्या कौन सी है? तो साथियों पहली संख्या में क्या है, 4, 3, 2 और 1। साथियों आपस में कोई संबंध तो नहीं है, लेकिन साथियों प्रत्येक संख्या का प्रयोग एक बार हुआ है, ठीक है। दूसरी है 7 से 9 और 3। साथियों प्रत्येक संख्या का प्रयोग एक बार हुआ है, ठीक है। तीसरी है साथियों 4, 2, 3, 2, मतलब साथियों इसमें 2 कितनी बार आ रहा है, 2 आ रहा है 2 बार। कितनी बार आ रहा है, 2 2 बार आ रहा है। अब साथियों इसमें आ रहा है 5 से 9 और 8, मतलब साथियों इन ए बी और डी इन तीनों में किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति नहीं हो रही, लेकिन साथियों से सी ऑप्शन में 2 की पुनरावृत्ति हो रही है, 2 2 बार आ रहा है, मतलब साथियों अपना सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसके साथ इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की, अपना चौथा प्रश्न साथियों श्रृंखला से संबंधित प्रश्न है। किससे? श्रृंखला से संबंधित। साथियों दिए प्लस का अर्थ क्या है, प्लस को साथियों भाग लिखना है, ठीक है। प्लस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ गुणा है, माइनस को गुणा लिखना है, और गुणा का अर्थ क्या है, माइनस है, ठीक है। और इसी तरह साथियों भाग का अर्थ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। साथियों जो प्लस है, प्लस को क्या करना है, भाग में कन्वर्ट करना है, ठीक है। माइनस को करना है गुणा में, और गुणा को करना है माइनस में, और भाग को करना है प्लस में, ठीक है। साथियों तो श्रृंखला दी है, श्रृंखला को हल करना है। जल्दी से साथियों हल करेंगे और हल करके साथियों आंसर बताएंगे, 69, 78, 50 या फिर 101, सॉरी साथियों 10.1 है, ठीक है। 69, 78, 50 और 10.1, जल्दी से बताएंगे आंसर साथियों। तो साथियों मैं आपको यहाँ पर चिन्ह लगा करके दे देता हूँ। 15 साथियों माइनस के जगह क्या लगाएंगे, गुणा लगाएंगे, 15 गुणा 5, फिर भाग की जगह प्लस लगाएंगे तो +5, अब गुणा की जगह फिर माइनस लगाएंगे तो -20 आ जाएंगे, और प्लस की जगह भाग लिखना तो 10 हो जाएगा। अब साथियों श्रृंखला को आपको हल करना है, तो साथियों बोर्ड मास का नियम होता है, कौन सा साथियों, बोर्ड मास का नियम, जिनमें साथियों सबसे पहले बोर्ड मास मतलब कि सबसे पहले ब्रैकेट हल होगा, फिर साथियों जो लिखा होता है का वाला, तो साथियों का वाला मतलब गुणा वाला प्रश्न होगा, फिर साथियों भाग देना होगा, फिर गुणा होगा, फिर जोड़ होगी, अंत में बाकी होगी। तो साथियों इसी प्रकार को हल करना है, तो साथियों सबसे पहले भाग वाला हल करेंगे। साथियों 20 में 10 का भाग देना तो कितने आएंगे, 2 आ जाएंगे, 20 में 10 का भाग देने पर 2 आ जाएंगे, फिर आगे माइनस लगाना है, फिर माइनस के बाद 5 लगाना है, फिर प्लस लगा के 5 और गुणा 15। अब साथियों गुणा वाला हल करना है, तो साथियों 15 गुणा 5 कितने हो जाएंगे, 75, 15 गुणा 5 75, फिर प्लस 5 माइनस 2। अब साथियों पहले प्लस वाला, तो साथियों 75 और 5 80 हो जाएंगे, और साथियों 80 में से 2 घटाने हैं, कितने 2, 80 में से 2 जाएंगे साथियों 78, अपना राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, 78 हो जाएगा। 78 साथियों किस ऑप्शन में, अपने बी ऑप्शन में, तो साथियों अपना बी ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। तो साथियों इसी के साथ बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, तो साथियों अगला प्रश्न आपके सामने पांचवा प्रश्न है। यदि किसी भाषा में ए का कूट क्या है, एक है। साथियों यदि किसी भाषा में ए का कूट एक है, ठीक है, ए का कितना है, एक है, और बी का कूट कितना है, तो साथियों बी को ए को एक लिखा जाए, बी को 2 लिखा जाए, और इसी तरह आगे भी है, मतलब कि ए को 1, बी को 2, सी को कितना लिखा जाएगा, 3 लिखा जाएगा, डी को 4 लिखा जाएगा, इसी प्रकार साथियों जेड तक, जेड को कितना लिखा जाएगा, 26, जेड को 26 लिखना, मतलब साथियों ए बी सी डी का क्रमांक ही लिखना है। तो साथियों यहाँ पर आपको एक वर्ड दिया, कौन सा दिया, BIDDIC। तो साथियों इसको लिखना है, इसका कोड क्या होगा, कूट क्या होगा, जल्दी से आपको बताना है, साथियों जल्दी से बताएंगे। तो साथियों पहला वर्ड दिया आपको बी, तो साथियों बी अंग्रेजी वर्णमाला में कौन से स्थान पर आता है, दूसरे नंबर पर। यहाँ पर साथियों दिया है बी का कूट क्या है, 2, तो अंग्रेजी वर्णमाला में दूसरे स्थान पर बी आता है। बी के पश्चात साथियों आई है, आई कौन से स्थान पर आता है साथियों अंग्रेजी वर्णमाला में, 9वें स्थान पर, कौन से स्थान पर, 9वें स्थान पर। तो साथियों अपना डी ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें सबसे पहले 3 है, और सी भी नहीं होगा, इसमें भी 3 है। इसके पश्चात साथियों इसमें आ रहा है 2, 2 के पश्चात क्या आ रहा है, 8, लेकिन साथियों आई कौन से स्थान पर है, 9वें स्थान पर है। तो साथियों अपना बी ऑप्शन भी नहीं होगा, अब साथियों अपना ए ऑप्शन होगा। आगे हम हल कर लेते हैं, साथियों डी कौन से स्थान पर आएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में 4थे स्थान पर, डी 4थे स्थान पर, फिर आई 7 वापस 9वें स्थान पर, और सी 3रे स्थान पर। तो साथियों 29, 44, 93 अपने ए ऑप्शन से मिल रहा है, तो साथियों अपना यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते साथियों अगले प्रश्न की, अपना राजस्थान जीके से साथियों अब शुरू हुआ था। साथियों राजस्थान जीके का पहला प्रश्न और आज की क्विज का 6वां प्रश्न है, कौन सा 6वां प्रश्न। तो साथियों प्रश्न है बालाथल पुरातात्विक स्थल कहाँ पर स्थित है। साथियों बालाथल पुरातात्विक स्थल राजस्थान में कहाँ पर स्थित है, रामसर, अजमेर, वल्लभ नगर, उदयपुर, नीम का थाना, सीकर या फिर खेतड़ी, झुंझुनू में। साथियों जल्दी से बताना बालाथल पुरातात्विक स्थल साथियों
तो इसका साथियों राइट आंसर हो जाएगा वल्लभ नगर उदयपुर में। कहाँ पर साथियों? वल्लभ नगर उदयपुर में। बालाथल पुरातत्व की तो साथियों स्थित है, ठीक है। अब बढ़ते साथियों अगले प्रश्न की ओर। आज की क्विज का सातवां प्रश्न साथियों, सातवां प्रश्न है देश की प्रथम फट चितेरी महिला कौन है? साथियों देश की ऐसी महिला जिसने सबसे पहले फट बनाई साथियों, तो साथियों देश की प्रथम फट चितेरी महिला कौन है? पार्वती देवी, गौरी देवी, सीता देवी या फिर गोतल देवी? जल्दी से बताना है देश की प्रथम फट चितेरी जिसने सबसे पहले फट को बनाया। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मतलब पार्वती देवी। साथियों इसका राइट आंसर ए ऑप्शन पार्वती देवी साथियों देश की प्रथम फट चितेरी। साथियों फट बनाने का कार्य राजस्थान में सबसे ज्यादा शाहपुरा भीलवाड़ा, कहाँ पर? शाहपुरा भीलवाड़ा में किया जाता है साथियों, शाहपुरा भीलवाड़ा। एक साथियों शाहपुरा जयपुर में भी है, लेकिन साथियों फट बनाने का कार्य सर्वाधिक साथियों शाहपुरा भीलवाड़ा में, कहाँ पर? शाहपुरा भीलवाड़ा। साथियों ये पार्वती देवी भी साथियों शाहपुरा भीलवाड़ा का निवासी है। साथियों किनकी पत्नी है? कन्हैयालाल जी की। किसकी? कन्हैयालाल जी की पत्नी है, ठीक है साथियों। अब बढ़ते साथियों आज की क्विज के अगले प्रश्न की ओर, आठवां प्रश्न। राजस्थान की पहली रेल बस सेवा कहां से प्रारंभ की गई? साथियों राजस्थान की पहली रेल बस सेवा, राजस्थान में साथियों पहली रेल बस सेवा कहां से प्रारंभ की गई? जल्दी से बताएंगे साथियों कहां से कहां तक चली थी? मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी के बीच, रतलाम से बांसवाड़ा के बीच, मानसरोवर से चांदपोल के बीच या फिर पीपाड़ रोड से पीपार सिटी के बीच? जल्दी से बताएंगे साथियों राजस्थान की पहली रेल बस सेवा कहाँ पर प्रारंभ की गई? जल्दी से साथियों। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी के बीच। साथियों राजस्थान की प्रथम रेल बस सेवा मेड़ता सिटी से मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी के बीच साथियों कब प्रारंभ की गई? तो 12 अक्टूबर कब? 12 अक्टूबर 1994 में। कब की गई? 12 अक्टूबर 1994 में राजस्थान की प्रथम रेल बस सेवा मेड़ता सिटी से मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी के बीच शुरू की गई, ठीक है साथियों। बढ़ते हैं आज की क्विज के नौवे प्रश्न की ओर। जैसलमेर का किला व जोधपुर का किला क्रमशः किन पहाड़ियों पर स्थित है? साथियों जो जैसलमेर का किला है और जोधपुर का किला है वो किन पहाड़ियों पर स्थित है, आपको क्रम के अनुसार बताना है। साथियों पहला जैसलमेर किले की पहाड़ी का नाम बताना है और दूसरा जोधपुर किले की पहाड़ी का नाम बताना है। साथियों ऑप्शन आपको चार दे रखे हैं, अड़ावाला पर्वत और मेरवाड़ा की पहाड़ियों, या फिर साथियों दूसरा है त्रिकूट पहाड़ी या फिर नाग पहाड़ी, और तीसरा है त्रिकूट पहाड़ियाँ, चिड़ियाटूक पहाड़ी, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे साथियों ए बी सी डी आंसर आपको बताना है। तो साथियों जैसलमेर का किला है साथियों वो त्रिकूट पहाड़ी पर, कौन से साथियों? त्रिकूट पहाड़ी पर। साथियों त्रिकूट दोनों में है, बी और सी में। साथियों ए और डी तो होगा नहीं, तो साथियों त्रिकूट पहाड़ी बी और सी में, ठीक है साथियों। अगला बोला जोधपुर का किला, साथियों जोधपुर का किला चिड़ियाटोंक पहाड़ी पर स्थित, किस पहाड़ी पर? चिड़ियाटोंक पहाड़ी पर। साथियों अपना सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कौन सा? सी ऑप्शन। तो साथियों इस प्रश्न का सी ऑप्शन राइट है, ठीक है। बढ़ते मित्रों अगले प्रश्न की ओर, दसवां प्रश्न। राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? साथियों राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया? चार ऑप्शन दे रखे साथियों ए बी सी और डी, जल्दी से बताएंगे। रावतपाटा चित्तौड़गढ़, गिरल बाड़मेर, बाप जोधपुर या फिर अमर सागर जैसलमेर? जल्दी से बताएंगे साथियों राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया? आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी डी साथियों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो साथियों इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन से, अमर सागर जैसलमेर में साथियों राजस्थान का प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया। कहाँ पर साथियों? अमर सागर जैसलमेर में। अमर सागर जैसलमेर साथियों राजस्थान का प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया। अब बढ़ते साथियों अगले प्रश्न की ओर, आज की क्विज का 11वां प्रश्न जो साथियों शिक्षण अभिरुचि के टॉपिक से, छात्रों को गृह कार्य अवश्य देना चाहिए, इसलिए कि मित्रों जो विद्यालय में छात्र होते हैं उनको गृह कार्य किस कारण देना चाहिए, इसको कारण बताना। छात्रों को लिखित कार्य मिल जाए इसके लिए, या छात्र खेल में समय बर्बाद न करे इसके लिए, या छात्रों में पढ़ने का अभ्यास बना रहे इसके लिए, या फिर प्रधानाध्यापक इसे आवश्यक बताते हैं साथियों इसका मुख्य कारण कौन सा है जिसलिए छात्रों को गृह कार्य दिया जाता है या गृह कार्य देना आवश्यक माना जाता है? जल्दी से बताएंगे साथियों ए बी सी डी ऑप्शन दे रखे हैं साथियों, छात्रों को गृह कार्य देना आवश्यक है। तो साथियों छात्रों को लिखित कार्य मिल जाए साथियों, ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर नहीं होगा। छात्रों का खेल में समय बर्बाद नहीं हो साथियों, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन से साथियों, छात्रों को पढ़ने का अभ्यास बना रहे, बिल्कुल साथियों छात्रों में पढ़ने का अभ्यास बना रहे इसलिए छात्रों को गृह कार्य दिया जाता है मित्रों, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, 12वां प्रश्न। आपकी कक्षा में प्रधानाध्यापक का पुत्र पढ़ता है, आपका व्यवहार उसके प्रति कैसा होगा? साथियों आप किसी विद्यालय की कक्षा में पढ़ा रहे हैं और उस कक्षा में एक प्रधानाध्यापक का पुत्र पढ़ता है, तो साथियों उस
बालक के साथ आप कैसा व्यवहार करेंगे। चार ऑप्शन दे रखे अन्य छात्रों जैसा, ठीक ठीक, चापलूसीपूर्ण या फिर विशिष्ट वातावरण। साथियों कैसा वातावरण करेंगे जल्दी से बताना साथियों। आपकी आप पढ़ा रहे उस कक्षा में साथियों प्रधान अध्यापक का पुत्र पढ़ता है तो आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे साथियों, अन्य छात्रों जैसा करेंगे, कौन सा ए ऑप्शन राइट देगा करेंगे। क्योंकि साथियों कक्षा में पढ़ाने वाले शिक्षक के लिए सभी छात्र एक समान होते हैं, तो साथियों अन्य छात्रों जैसा उसके साथ व्यवहार करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, आज की क्विज के 13वें प्रश्न की ओर। छात्र के उन्नयन एवं विकास में सर्वाधिक भूमिका किसकी होती है। साथियों छात्र का जो विकास होता है और उन्नयन होता है उसमें साथियों सर्वाधिक भूमिका किसकी होती है। समर्पित शिक्षक की, अच्छी पुस्तकों की, उत्तम क्रीड़ा स्थल की या फिर भव्य विद्यालय भवन की। साथियों छात्र के विकास और उन्नयन में सर्वाधिक भूमिका आपको जल्दी से बताना कमेंट बॉक्स में। साथियों छात्र का विकास किसके कारण सर्वाधिक होता है साथियों, तो साथियों जो समर्पित शिक्षक होता है उसी के कारण छात्र का विकास सर्वाधिक होता है। साथियों छात्र के विकास में सर्वाधिक भूमिका समर्पित शिक्षक की होती है। साथियों सिर्फ पुस्तकों से कुछ नहीं होता, अगर शिक्षक समझाए नहीं तो साथियों सिर्फ पुस्तकों से कुछ नहीं होता, साथियों खेलने से भी कुछ नहीं होता और साथियों विद्यालय भवन से भी कुछ नहीं होता। समर्पित शिक्षक साथियों जो हमेशा बच्चों को पढ़ाने के लिए लगा रहता है उसी से साथियों बालक का उन्नयन और विकास होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अपना 14 प्रश्न। कुशल नागरिकता का अर्थ है साथियों, कुशल नागरिकता कौन सी साथियों, कुशल नागरिकता पूछा है ठीक है। उसका अर्थ है अपने कर्तव्यों का पालन करना, बुराइयों से लड़ना, अधिकारों को प्राप्त करना या सबके कल्याण की चिंता करना। जल्दी से बताएंगे साथियों कुशल नागरिकता का अर्थ है कुशल नागरिकता साथियों, तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन साथियों। कौन सा ए ऑप्शन, अपने कर्तव्यों का सही से पालन करने वाला ही साथियों एक कुशल नागरिक कहलाता है, अपने कर्तव्यों का सही पालन करने वाले एक कुशल नागरिक कहलाता है ठीक है। बढ़ते हैं साथियों इसकी क्विज के अगले प्रश्न की ओर, अपना 15वां प्रश्न। कुशल नेतृत्व की सफलता का रहस्य है साथियों, पहले प्रश्न था कुशल नागरिकता का, अब साथियों कुशल नेतृत्व की सफलता का रहस्य क्या है। साथियों जो कुशल नेतृत्व होता है उसकी सफलता का रहस्य क्या होता है। समूह के व्यक्तियों में आस्था, कार्य का वितरण या प्रभुता की प्रवृत्ति या फिर दंड। साथियों कुशल नेतृत्व का, आपको कुशल नेतृत्व की सफलता का रहस्य बताना है, जल्दी से बताएंगे साथियों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। कौन सा साथियों, ए ऑप्शन समूह के व्यक्तियों में आशा ही कुशल नेतृत्व की सफलता का रहस्य, समूह के व्यक्तियों में आशा ही कुशल नेतृत्व की सफलता का रहस्य, तो साथियों अपना ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों, अगला प्रश्न है अंग्रेजी का 16वां प्रश्न है साथियों। मोहन इज एल एल बी ग्रेजुएट साथियों, पर आपको आर्टिकल का प्रयोग करना है, क्या करना है आर्टिकल का प्रयोग। मोहन इज एल एल बी ग्रेजुएट साथियों, ए एन द का प्रयोग करना है जल्दी से, पहले में ए, दूसरे में द, तीसरे में एन और चौथे में नन। साथियों कौन सा ऑप्शन आएगा, मोहन इज एल एल बी ग्रेजुएट साथियों, जल्दी से उच्चारण करके पता लगाना आपको। स्वर की ध्वनि निकल रही साथियों एन का प्रयोग करेंगे और व्यंजन की ध्वनि निकल रही साथियों ए का प्रयोग करेंगे, और साथियों कोई अलग से कोई विशेष नाम है तो उसके लिए साथियों द का प्रयोग करेंगे जल्दी से। तो साथियों एल एल बी मतलब कि एल एल बी, तो साथियों एल मतलब कि पहले स्वर आ रहा है, तो साथियों स्वर के लिए किसका प्रयोग करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। तो साथियों अपना तीसरा ऑप्शन से राइट हो जाएगा। कौन सा तीसरा ऑप्शन, मतलब साथियों मोहन इज एन एल एल बी ग्रेजुएट ठीक है। बढ़ते साथियों अगले प्रश्न की ओर, अपना 17वां प्रश्न। चूज द वन विच इन सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन, साथियों जो शब्द दिया है, चूज द वन विच इन सिमिलर मतलब कि सिमिलर मतलब समानार्थी, साथियों जो शब्द दिया है इसका समानार्थी है, समान अर्थ वाला इनमें से आपको एक शब्द ढूंढना है साथियों। साथियों प्रोविजनल शब्द का साथियों अर्थ होता है अस्थायी, क्या होता है अस्थायी, प्रोविजनल शब्द का अर्थ था साथियों अस्थायी। तो साथियों इन चार शब्दों में अस्थायी शब्द किसका अर्थ निकलता है जल्दी से बताएंगे साथियों, साथियों जल्दी से बताएंगे। अस्थायी साथियों टेम्परली होता है साथियों, टेम्परली, तो साथियों इसका अर्थ भी क्या होता है अस्थायी होता है, क्या होता है अस्थायी, टेम्परली मतलब अस्थायी और प्रोविजनल मतलब भी अस्थायी। साथियों यहाँ पर अपना चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा ठीक है। साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, 18वां प्रश्न। निम्न में से दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है साथियों, जल्दी से बताएंगे दीर्घ संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है। पहला दिया है कंटाकिरण, दूसरा दिया है व्यंकरात, तीसरा दिया है अतीत और चौथा दिया है व्यायाम। साथियों दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है, तो साथियों पहले का संधि विच्छेद करके हम देखेंगे साथियों कंटाक धन अकीर्ण, क्या होगा कंटाक धन अकीर्ण हो जाएगा साथियों, मतलब कि अ और अ मिलकर के आ बन रहा है, तो साथियों पहला तो अपना सही हो जाएगा। दूसरा है भयंकर, साथियों भयंकर मतलब भयधन आक्रांत, भयधन आक्रांत मतलब कि साथियों अ और आ मिलकर के आ बन रहा है, अ और आ मिलकर के आ बन रहा है, तो साथियों अपना दूसरा भी सही हो जाएगा। साथियों पहला अपना सही है, दूसरे में भी दीर्घ संधि है, तीसरा साथियों
अतीत शब्द कौन सा, अतीत साथियों, अतीत मतलब कि अतिदन इत, क्या हो जाएगा अतिदन इत हो जाएगा। तो साथियों ई और ई मिल करके बड़ी ई बन रहे, ई और ई मिल करके बड़ी ई बन रहे। तो साथियों अतीत मतलब कि तीसरा भी सही है। अब जाता बचा है साथियों स्वता, स्वता में क्या है व्यायाम, व्यायाम साथियों। तो इसका संधि विच्छेद करते हैं हम साथियों, ये होता है विधन आयाम, क्या होता है विधन आयाम। तो साथियों वी क्या है ई, और साथियों ई और इधर क्या है आय, साथियों ई और आ मिलकर क्या बनता है, ई और आ मिलकर के बनता है साथियों। ये कौन सी संधि हो जाएगी साथियों, ई और आ मिलकर साथियों ये बनता है, ये साथियों किस में बनता है यण संधि में, किस में बनता है साथियों यण संधि में। साथियों यहाँ पर अपनी यण संधि हो जाएगी, तो डी ऑप्शन साथियों अपना राइट आंसर है, जिसमें साथियों दीर्घ संधि व्यायाम में दीर्घ संधि नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न है आत्मनिर्भर शब्द समास है साथियों, आत्मनिर्भर शब्द समास है कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष संप्रदान तत्पुरुष या पर अधिकरण तत्पुरुष। साथियों जल्दी से बताएंगे, आत्मनिर्भर शब्द समास है अर्थात साथियों आत्मनिर्भर शब्द समास तो तत्पुरुष है, लेकिन तत्पुरुष का कौन सा भाग इसमें समास है, जल्दी से बताएंगे साथियों। इसका साथियों समास विग्रह होता है आत्मा पर निर्भर, क्या होता है आत्मा पर निर्भर। अब साथियों जल्दी से बता देंगे इसका समास कौन सा समास होगा साथियों, इसमें आत्मा पर निर्भर साथियों पर किस में आता है, जल्दी से बताएंगे करण, कर्म में आता है, करण में आता है, संप्रदान में आता है या फिर अधिकरण में आता है। आत्मा पर निर्भर साथियों, साथियों जल्दी से बताएंगे साथियों। अगर विभक्ति की बात करें कर्म में, तो साथियों कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान साथियों, साथियों कर्ता ने कर्म को, अगर करण की बात करें तो कर्ता ने कर्म को करण से, अगर बात करें संप्रदान की तो संप्रदान के लिए, क्या होता है के लिए। अब बात करें साथियों अधिकरण, अधिकरण में होता है साथियों में पर पे के ऊपर। साथियों अभी आया था आस्था पर निर्भर, किस पर आस्था पर निर्भर, तो साथियों पर किस में आया है अधिकरण में, तो साथियों पर अधिकरण तत्पुरुष अपना डी ऑप्शन से राइट हो जाएगा साथियों। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की क्विज के अंतिम प्रश्न की ओर, 20वां प्रश्न। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई पूछा साथियों, कौन सी लिखित इकाई, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है, शब्द वर्ण स्वर या फिर ध्वनि। साथियों जल्दी से बताएंगे भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, जल्दी से शब्द वर्ण स्वर या फिर ध्वनि। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई पूछे तो साथियों हो जाएगी वर्ण, जो साथियों वर्ण होती है, वर्ण होता है साथियों भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होता है। अगर साथियों बात करें लिखित की जगह क्या आ जाएगा मौखिक, क्या आ जाएगा मौखिक, तो साथियों भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी होती है साथियों, ध्वनि होती है। कौन सी होती है भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, ध्वनि होती है, और लिखित इकाई होती है वर्ण। तो साथियों इसी के साथ आज की अपनी क्विज पूर्ण होती है। तो साथियों आशा करता हूँ मेरे द्वारा आज की क्विज में दी गई जानकारी पूरी तरह समझ में आ गई होगी, और साथियों आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है आपके कितने प्रश्न सही हुए साथियों, 20 में से आपके कितने प्रश्न सही है, जल्दी से कमेंट सभी करेंगे साथियों, सभी को कमेंट करना है आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं साथियों, जल्दी से साथियों कमेंट करेंगे, कोई भी साथियों पीछे नहीं रहेगा, सभी को अपना प्रश्न और उत्तर कितने सही हुए हैं साथियों जल्दी से बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल साथियों कुछ के 17 हो रहे हैं, कुछ के 18 भी हो रहे हैं, तो कुछ के 19 और साथियों कुछ के 20, और साथियों कुछ विद्यार्थी ऐसे जिनके 15% भी सही हो रहे हैं। तो साथियों सभी से निवेदन अपनी तैयारी को जारी रखेंगे, बीच में साथियों आपको गैप नहीं लेना है, अपनी तैयारी को जारी रखेंगे, और साथियों राजस्थान बीएसटीसी में अपनी एक सीट को कन्फर्म करेंगे साथियों, प्रत्येक विद्यार्थी राजस्थान बीएसटीसी में अपनी एक सीट को कन्फर्म करेंगे साथियों, अपनी तैयारी को जारी रखे, मजबूत बनाइए साथियों। तो साथियों चलते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम शाह।